यस, वेयर इज एसडीओ? बताइए, सर्विस रिपोर्ट बुलाई थी आपने? कहाँ यस सर। है सर्विस सर रिपोर्ट? इंटरिम ऑर्डर किया है सर अभी हमने, नहीं, इंटरिम ऑर्डर किया है आपने, सर्विस के लिए नोटिस भेजे थे ना नोटिसेज इशू हुए थे सर, लेकिन आपके? वो कहाँ जो है, है सर इस पे लगे हुए हैं सर। तामील हो गई थी नोटिस की? फिर नोटिस तामील, अदम तामील हुई थी सर, वो उस एड्रेस पे नहीं रहते कहाँ हैं। लिखा है आपने कि नोट नोट पढ़िए, इंटरिम ऑर्डर पढ़िएगा। क्या शुभ नाम है आपका? अनुराग तिवारी नाम लिखा हुआ सर। पढ़िएगा इम्प्यून ऑर्डर। साहब, आप सर किस बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं मैं आप? 16 से हूँ सर, ज्वाइन हैं, कर 16 से सर 2016 से हैं, सर पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आए थे। सर तो सर ऐसा ऐसा ऑर्डर ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी क्या? फिर हुई है सर सर पेशी दिनांक 10/4, सर 10/4 को आपने क्या लिखा? माननीय उच्च न्यायालय के एक दिवस पूर्व स्थिति को परिपालन में दुरुस्त करें। ये कहाँ से इंटरिम ऑर्डर हो गया? और हाईकोर्ट के आदेश या तो आप सब पढ़ते नहीं है। यू आर अंडर इन्फ्लुएंस। नो सर, आई वॉज नॉट सर, सॉरी सर, लेकिन इसमें इंटरिम ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पूर्व की स्थिति बहाल कर उसके दी। आगे क्या दोनों लिखा हुआ है? उसके दोनों पक्षों को नोटिस सर, बाद आपको ये कहा था कि पूर्व की स्थिति बहाल करें। क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब यही, का मतलब क्या होता है आप हमें बताएंगे? क्वेश्चन का मतलब ये होता है, सॉरी सर सॉरी अगर सर क्वेश्चन कर दिया था तो फिर हाईकोर्ट को लिखने की क्या जरूरत थी कि 90 दिन में दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दें? दोनों सर अभी हम आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को इंटरप्रेट सर करेंगे? क्या प्रोसेस में है सर, प्रोसेस में है? उसके बाद हियरिंग में लिया है सर दोनों पक्षों को कब सर, लिया आपने? उसके बाद सर हमने कंटिन्यूस प्रोसेस में लिया है सर, अभी हियरिंग कब चालू है सुनवाई करी आपने ये बताइए। सर, इन प्रोसेस है सर। व्हाट इज इन प्रोसेस? ये क्या जवाब होता है? ये सरकारी जवाब यहां मत दीजिए, यू विल बी इन ट्रबल। सॉरी सर नोटिस किस तारीख को तामील हुआ ये बताइए। आठ चार 23 को सर, जी, 8/4/23 को सर तामील हो गया इनके ऊपर, जी तो सर, ये है सर इसमें इसमें आपने क्यों नहीं लिखा कि नोटिस तामीली के बाद कोई उपस्थित नहीं? अगर 8/4/23 को तामील हो गया था तो सर 11/4/23 के आदेश में आपने क्यों नहीं लिखा? सर। इसके पहले एक और इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे यहाँ फाइल हमें की उससे थी सर मतलब नहीं है। आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन दैट सर इफ नोटिसेज वर सर्व्ड ऑन द पिटिशनर ऑन सर 8/4 एंड व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम राइटिंग दिस फैक्ट दैट डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस पिटिशनर इज नॉट अपियरिंग। सर तो बाबू नहीं लिख सकता इतना तो। तो देखते हैं सर, जी, ऑर्डर शीट बाबू लिखता है सर, ये बाबू ने लिखी है 11/4 की? आपने लिखा है कि बाबू ने लिखा है? ये मैंने लिखी है सर 11/4 तो कहां सर लिखा है इसमें आपने कि तामील उपरांत अनुपस्थित? सर सॉरी सर, बट ये इंटरिम ऑर्डर है सर, ये नहीं, इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए आपको हाईकोर्ट ने कहा ही नहीं था। ऐसा भी आपने नहीं लिखा कि अंतरिम आदेश है। फिर पेशी में लिया है सर, फिर आगे सर आपने लिखा है सर तदनुसार अनावेदक को नोटिस जारी किया जाए, मूल सर प्रकरण आदेश दिनांक को संलग्न किया जाए। सर कुछ, और इसके बाद रिकॉर्ड भी 11 तारीख के बाद जो है, 5 दिन बाद जो है 17 तारीख को इन्हें रिकॉर्ड भी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री भी कर दिया। 90 दिन का समय दे, इतनी जल्दी थी मगर। नहीं सर, हमने 90 दिन का पूरा भी हियरिंग में है सर, 90 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं सर, आपने सॉरी फिर सर रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों दुरुस्त कर दिया ये तो समझाइए ना थोड़ा सा। सर ऑर्डर एस डी क्वाइट ओ सॉरी सर 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 को करेक्ट करिए। सर देखिएगा, श्री सत्य प्रकाश मिश्रा लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री, शुभ नाम बताइए आपका। अनुराग तिवारी, है डॉक्टर अनुराग तिवारी डॉक्टर अनुराग तिवारी? सर, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं पीएचडी हूँ सर पीएचडी हैं? सर अच्छा, डॉक्टर अनुराग तिवारी, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसील हुजूर, नहीं सॉरी, सब डिविजन हुजूर, डिस्ट्रिक्ट रीवा, प्रेजेंट इन पर्सन अलोंग विद, आपका शुभ नाम बोलिए। जी, श्वेता यादव, गवर्नमेंट एडवोकेट, श्वेता यादव गवर्नमेंट मैं एडवोकेट श्वेता यादव, गवर्नमेंट एडवोकेट। इट इज सबमिटेड दैट ऑर्डर वाज ऑर्डर इम्प्यून्ड इज इंटरिम ऑर्डर। हाउएवर दिस कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड दैट दिस ऑर्डर इज इंटरिम इन नेचर। एप्लीकेंट हैज, सॉरी, एसडीओ हैज क्लियरली मिसअंडरस्टूड द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट डेटेड 15/3/2023, पास्ड इन WP 11216 ऑफ 2022। ही वॉज रिक्वायर्ड टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पार्टीज एंड वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 115 ऑफ MPLRC विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, फुल स्टॉप। बताइए 115 में, आप ही की बात पे चलते हैं, सीधे सर लैंड रेवेन्यू कोर्ट दीजिए। सर कहाँ इंटरिम ऑर्डर का प्रावधान 115 में? पढ़िएगा।
नहीं 115 में नहीं अरे है भाई 115 की प्रोसीडिंग करेंगे तो इंट्रीम ऑर्डर कहाँ किस प्रावधान में कर देंगे आप? सर, एमपीएलआरसी के किस प्रावधान में किया आपने इंट्रीम ऑर्डर? हाई कोर्ट के ऑर्डर अरे के भाई सर यू आर गवर्न्ड बाय एमपीएलआरसी, सर हाई कोर्ट डिड नॉट आस्क यू टू पास एनी इंट्रीम ऑर्डर। सर आप जितना उलझना चाहते हैं उतना पर्याप्त उलझा दिया जाएगा आपको। सॉरी सर सॉरी अब सर बताइए ना 115 में बताइए पढ़ के कहाँ है प्रावधान इंट्रीम ऑर्डर का। नेक्स्ट पैरा, देर इज नो प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 एमपीएलआरसी टू पास इंट्रीम ऑर्डर्स। पिटिशनर सॉरी एसडीओ वाज डिसाइडिंग द केस अंडर सेक्शन 115 एमपीएलआरसी। दस कंटेंशन ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर तिवारी अनुराग तिवारी दैट ही हैड पास इंट्रीम ऑर्डर इज डिवॉइड ऑफ मैरिट्स। देर इज नो प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 एमपीएलआरसी टू पास इंट्रीम ऑर्डर्स। देयरफॉर इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 11/4/2023 कैन नॉट बी सेट टू बी एन ऑर्डर ऑफ इंटरिम नेचर, सेम इज हेयर बाय क्वेश्चन। सिंस पार्टीज आर ऑलरेडी अपियरिंग बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर, नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट क्या है? सर 22/5 है सर, बाईस एंड नेक्स्ट पांच डेट फिक्स बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर इज 22/5। ही शेल ट्राई टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स एज पर द अर्लियर डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। डब्ल्यूपी नंबर इतना इतना है, डेटेड 15/3/2023 इन डब्ल्यूपी 11/2/16 ऑफ 22 एंड शेल कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर माय हम्बल समिट से इट मे बी ट्रांसफर टू अनदर एसडीओ माय ये सब लॉर्ड। काम यहाँ नहीं माय लॉर्ड करेंगे, इनफैक्ट आपको माय ऐसा करना लॉर्ड यहाँ नहीं करेंगे। दे कांट से माय लॉर्ड दैट एट दिस स्टेज माय लॉर्ड, बट माय लॉर्ड वी आर आई अंडर हैव नो थ्रेटन। मटेरियल टू सस्पेक्ट इज बोना फाइड मिस्टेक की है ही है, उसमें लिख लीजिएगा ही एडमिट्स दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक बोना फाइड। चलिए मेरे ख्याल से मोबलाइज हाईकोर्ट आने के बाद इतनी गुस्ताखी नहीं करेंगे, ये गलत आदेश पारित करें, जो भी लॉ के मुताबिक हो वो करिएगा। आई एम नॉट सेइंग इनके पक्ष में या उनके पक्ष में, करिए पास ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू लॉ। सर।